एक कैच हमने ड्रॉप कर दिया फिर। और बाकी अब देखेंगे बैटिंग है हमारी। प्रोग्राम मुझे लग रहा है बढ़ने वाला, अगर आज हम जीत गए ना तारीख गवाह हो जाएगी, तारीख गवाह हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं खैर खैरियत से? उम्मीद करते हैं सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अपनी अपनी जगह पे खुश होंगे। और जी जनाब जी, आज हमारा काफ़ी दिनों बाद मैच था। मैच तो एक और दो तीन मैच थे बीच में, लेकिन बस किसी वजूहत की वजह से कह लें या अपनी सुस्ती की वजह से कह लें, मैं व्लॉग नहीं बना सका। तो बस आज फजर हाफ के अंदर मैच है हमारा आरएससी के अंदर, कौन सी है ये तो खैर मुझे भी नहीं पता, मैं खुद किसी की इनविटेशन पे जा रहा हूँ। और दूसरा बाकी अभी ग्राउंड पहुँचते हैं, नमाज वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के घर से निकल चुके हैं, नाश्ता नहीं किया है, अभी कोई होटल देखना है, नाश्ता करना है और बस उसके बाद जो है ना वो ग्राउंड पहुँचना है। तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपको ग्राउंड पहुँच के बाकी अपडेट हम आपको करेंगे कि कौन कौन ग्राउंड के अंदर तशरीफ आवर है और कौन कौन नहीं आया। मौसम बड़ा सर्द है जी बाहर का, ड्राइव कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, बस पहुंचने वाले हैं अगले कोई 7-8 मिनट के अंदर। तो बस फिर आगे की जो अपडेट है वो आपके साथ रखते हैं, आप सब भाइयों के साथ। शुक्रिया जी। توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخترت رجل بصوت وخيل فما لك في الأرض درب صحيح إلى الله عدنا وبالله نذنا ليطوى زمان بائس شيء جي ग्राउंड अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुंच गए और बस अभी सामान निकालना है बैग से, गाड़ी से, सॉरी सामान अपना निकालने के बाद गाड़ी लॉक करनी है। हाँ जी जनाब, अल्हम्दुलिल्लाह हम पहुँच चुके हैं ग्राउंड। अब तक तो कोई भी नहीं आया है ग्राउंड में, बोला तो यही था कि जल्दी पहुँचना है, सुबह सुबह का टाइम है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत प्यारा मौसम हो रहा है, आपको दिखाते हैं। कौन बोल रहा है? फिजान, असद, अरसलान भाई। कौन कौन है? कैसे हो? आ रहे भाई, आ रहे रास्ते में। और इतनी भी सर्दी नहीं है यार अरसलान भाई। भाई हमें लगते है कमजोर लोग हैं। आपके हाथ गर्म हो रहे हैं? आपके हाथ गर्म कैसे हो रहे हैं? कहाँ इतनी सर्दी यार। تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك نجوى ولبس خبيث مضل قبيح تبخت चाहने बैटिंग है आपके। टॉस हुआ था और टॉस मैंने ही किया था और अनफॉर्चुनेट टॉस हार चुके हैं। और देखें टॉस वो जीत चुके हैं, अब वो बैट फर्स्ट करते हैं, बॉल फर्स्ट। फिजान साहब टॉस हार चुके हैं। किसने? मैंने, मुझे मुझे इन्होंने आगे किया, मैं खुद नहीं आगे हुआ था। आप कुछ नहीं बोलेंगे? मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। बता इंशाल्लाह सेंचुरी करेंगे सब मिलके। ए, ए, आप अकेले बताएंगे? प्यारी लग रही है।
किया बैट्समैन ने वो चार चक्कों के साथ किया, तो जिसकी वजह से शायद हम मैच भी इसी चार चक्कों की वजह से लॉस किया हमने, और जो कैच ड्रॉप हुआ मुझसे शायद यही वजह साबित हुई। क्या कहते हैं? हाँ सर, क्या बोलते हैं? कैसी की कीपिंग आपने? टारगेट कीपिंग हमने बिल्कुल अच्छी नहीं करी। क्यों? एक कैच हमने ड्रॉप कर दिया। बाय मिस्टेक हो गया। एक कैच हमने ड्रॉप कर दिया और बाकी अब देखेंगे बैटिंग है हमारी। एक्सलेंट यार, बॉल दिया है मैंने वहाँ।
अरसलान भाई और फैजान जा रहे हैं बैटिंग के लिए। 184 का टारगेट हमें मिला है। फैजान आज तुमने तबाही मचा देनी है, कुछ बोलने जाएंगे बैटिंग से पहले। प्रोग्राम मुझे लग रहा है बढ़ने वाला, अगर आज हम जीत गए ना तारीख गवाह हो जाएगी। तारीख गवाह हो जाएगी। स्टार्ट बहुत ही अच्छा हुआ, फिजान भी बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहा था और असरान भी बहुत अच्छे फॉर्म में खेल रहे थे, और उसकी वजह ये थी कि पीछे कोई भी खेलने वाला नहीं था। फिजान था, अरसलान भाई थे और मैं थे, क्योंकि हम ऑलरेडी 8 लड़कों के साथ खेल रहे थे जो कि पीछे हमारी बैटिंग लाइन बिल्कुल भी नहीं थी। तो स्टार्ट हम बहुत अच्छा लेकर चल रहे थे, तो शुरू से फिजान और अरसलान को बता दिया था, उन्होंने ख़ुद भी डिसाइड कर लिया था कि शुरू जाते ही ना पावर प्ले के अंदर हमने अच्छा हिट रखना। शाबाश यार, अच्छा स्ट्राइक रोटेट करने के बाद अरसलान भाई भी यहाँ पर अनफॉर्चुनेट रन आउट हो गए। मिडिल विडिल सब नाप रहे हैं भाई, फैसल भाई क्या बात है, आज तो छक्के मारेंगे ऐसे लंबे लंबे, याद रखेगा बंदा भी। बस बस बस
मजा आया। बहुत जबरी में आता बंदा इसमें भाई, बहुत मुश्किल है। ये शॉट अच्छा भाई, क्या बात है। आ गई शाबाश। चार हो गया। मेरे लिए बैटिंग करना बहुत मुश्किल हो रहा था, उसकी वजह ये थी कि फजर में मैं जो है ना वो 2 घंटे ही सोया हूँ और फिर फजर में उठ गया, जिसकी वजह से मेरा फोकस बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था और जिसकी वजह से, और क्योंकि मौसम भी शायद थोड़ा सा उस दिन गर्मी थी तो बार बार जो है ना वो मेरी ग्लासेस के अंदर जो है ना वो पसीना वगैरह आ रहा था, उसकी वजह से बहुत ज़्यादा मेरा फोकस आउट हो रहा था। दूसरी वजह शायद मुझे कुछ ऐसा भी लग रहा था कि जो है ना मैंने शायद कीपरिंग की थी काफ़ी टाइम बाद, तो उसकी वजह से मुझे थकावट इतनी हो गई थी क्योंकि रसलान मुझे कह रहा था कि आप ओपन कर लें, जिसकी वजह से मैंने ओपन भी नहीं किया था, तो बस नींद भी पूरी नहीं थी, थकावट भी इतनी नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी परफॉर्मेंस दे दी तो मेरे लिए तो काफ़ी था। और इसी के साथ हमने 163 जो है ना वो चेस किया 16 ओवरों के अंदर, 2 विकेट आई थिंक गिरी थी और मैच हम लूज़ कर गए थे इसकी वजह से, लेकिन फिर भी हमने इतने लड़कों के साथ अच्छा खेल लिया। शाबाश यार की बोल शाबाश।
बढ़ गया मैच है, मैच बढ़ गया, मैच बढ़ गया, नजर भी नहीं आ गया, पास आ गए थे, करीब आ गए थे, करीब आ गए थे। जी जनाब, बस अभी वापसी की तैयारी है, मैच हमारा खत्म हो चुका है और फाइनली जो है ना वो हम हार चुके हैं। असल में वजह ये हुई कि हमारे पास जो है ना वो लड़के थे नहीं, फजर आपका मैच था तो बिल्कुल ही मेरे ख्याल से कुछ 7-8 लड़कों से हमने मैच खेला है और कोई 17 रन से हम जो है ना वो लॉस किया हमने मैच को, लेकिन बहुत ही अच्छी हमने बैटिंग की और कीपिंग मैंने आज की, जिसकी वजह से एक कैच मुझसे छूट गया और वो कैच आप लोगों ने देखा भी होगा, वो कैच मुझसे छूट गया तो जिसकी वजह से अगर वो शायद वो कैच अगर मैं पकड़ लेता तो अगर वो मेरे ख्याल से कुछ 4 छक्के उसके बाद उस बैट्समैन ने लगाए थे स्पिनर को, तो अगर वो शायद वो कैच में रख लेता तो मैच हमारे हाथ में होता, तो मैं भी रन आउट हो गया। लेकिन फैज़ान ने बहुत अच्छी बैटिंग की, ओपनिंग हमारी फैज़ान और रसलान भाई ने बड़ी अच्छी की, उसके बाद खैर मैं आया था, मेरा भी कोई रन आउट हुआ, वो बड़ी गलत मेरी गलत कॉल के ऊपर रन आउट हुआ, मैं जज नहीं कर सका था बॉल को, तो बाकी मैंने भी कोई मेरे ख्याल से कोई अच्छा खेल लिया आज गलती से, तो अल्हम्दुलिल्लाह बाकी अच्छा रहा मैच आज का, बड़ा अच्छा रहा, वन साइडेड नहीं होने दिया था हमने, वो दूसरी टीम तो बड़ी प्रॉपर टीम थी, लड़के उनके पूरे थे, लेकिन हम जो है ना वो तकरीबन कोई 8 लड़कों से खेले तो बड़ा अच्छा रहा। असल में बाकी अपडेट मैं दे नहीं सका आपको, उसकी वजह ये थी कि जो 7 वाला एक ग्राउंड है उसके अंदर कोई स्कूल का फंक्शन हो रहा है जिसपे गाने लगे हुए हैं सुबह सुबह, और जिसकी वजह से शायद वीडियो पे स्ट्राइक आ सकता था, तो इस वजह से बाहर वीडियो बना नहीं सका, तो अभी गाड़ी में बैठ के मैंने कहा चले मैं अपडेट कर दूँ, तो बस यही रहा, तो बस अभी घर की वापसी है अल्हम्दुलिल्लाह, और आज का मैच हो गया, अब कल का मैच है इंसाफ सीसी का जो टूर्नामेंट है वो है इंशाल्लाह ताला, होपफुली कि कल का मैच हम विन करें, वो मैच थोड़ा सा शायद हमारे लिए ज़रूरी भी है, तो होपफुली कि मैच हम कल वाला विन करें, तो बाकी इंशाल्लाह ताला ज़िंदगी रही तो आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी, और सब भाई अपना ख्याल रखें, नमाज पढ़ते रहें और दुआओं में याद रखें, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अगर दिल मानता है तो, वरना ना करें तो खैर कोई नहीं, ज़बरदस्ती तो आप लोगों से कोई भी नहीं है, बाकी दुआओं में याद रखें जनाब, फिर इंशाल्लाह ताला अगले किसी अच्छे मैच के साथ आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, ज़िंदगी ने साथ दिया तो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।